नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों अपितु समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी है। यह प्रश्न पत्र जिसकी चर्चा हम आज यहाँ कर रहे हैं, यह BA पार्ट द्वितीय की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि कोई यह पूछे कि राजनीति विज्ञान विषय का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सर्वाधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कहूँगा वह टॉपिक है भारतीय शासन एवं राजनीति, जो भारतीय संविधान से संबंधित है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इवन आप फोर्थ क्लास भर्ती वैकेंसी से लेकर UPSC RPSC की समस्त परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह प्रश्न पत्र बहुत व्यापक एवं बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी संदर्भ में आज हम यहाँ इस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं अगले कुछ व्याख्यानों में एक सीरीज के रूप में, एक क्रम के रूप में इस विषय पर चर्चा करूँगा, जो पूर्णतया प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें फोकस रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी इससे अधिकाधिक लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो विद्यार्थी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं या हाल ही में उनको अब जैसे RS के साक्षात्कार में जाना है या कॉलेज में सहायक आचार्य सह आचार्य की भर्ती परीक्षाओं में जाना है, उन सभी दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह प्रश्न पत्र एवं यह व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यह शब्द हमने बहुत बार सुना कि भारतीय संविधान और भारत का संविधान किस प्रोसेस से बनकर तैयार हुआ, उसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या रही। इससे पहले हमको यह जानना आवश्यक है कि संविधान किसे कहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि अमेरिका का संविधान ये कहता है, ब्रिटेन का संविधान ये कहता है, जापान का संविधान या फ्रांस का संविधान या चीन का संविधान। बहुत से देशों के संविधानों की चर्चा हम करते हैं जनरली, लेकिन यह जानना बहुत आवश्यक है कि संविधान किसे कहा जाता है। उसकी एक सामान्य सी एक परिभाषा मैंने यहाँ इस PPT में बनाई है, जो आपको बिल्कुल सरल और सहज रहेगी याद रखने में। किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सिद्धांत, नियम एवं कानून, जिन्हें अनुच्छेद कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है, उनका एक समग्र रूप संविधान कहलाता है। अब इसमें दोनों चीजें क्लियर हो गई, एक तो अनुच्छेद किसे कहते हैं, दूसरा संविधान किसे कहते हैं। यानी ये जो शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जो क्रमबद्ध व्यवस्थित और कानूनन जो नियम होते हैं, जिन्हें अनुच्छेद कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है, उनका एक समग्र रूप संविधान कहलाता है। अर्थात ऐसा संविधान जिसमें सभी नियमों एवं कानूनों का संकलन एक दस्तावेज के रूप में किया जाता है, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। यानी एक दस्तावेज होता है, एक संविधान की एक कॉपी होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उनका एक समग्र रूप संविधान कहलाता है। अब संविधान दो प्रकार का होता है, पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। आज भी बहुत से देशों में अलिखित संविधान चल रहा है और अधिकांश देशों में लिखित संविधान चल रहा है। अब यहां हमको ये समझना आवश्यक है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो मैंने एक लिखित संविधान की मेरे अनुसार परिभाषा बनाई है, यह आपके दृष्टिकोण से अलग भी हो सकती है। तो आप देखिए लिखित संविधान की परिभाषा,
वह संविधान जिसका निर्माण एक निश्चित समय में निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित नियमों के तहत किया गया है, उसे हम लिखित संविधान की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, भारत का संविधान आदि देशों का संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। अब आप देखिए भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान का निर्माण जब हुआ तो वह निश्चित लोगों के द्वारा, यानी उसमें लगभग प्रारंभ में 389 सदस्य थे, बाद में उनकी संख्या घटकर 291 रह गई। तो एक तो निश्चित लोगों के द्वारा, दूसरा निश्चित स्थान पर, यानी संविधान का जो निर्माण हुआ निश्चित स्थान पर हुआ। तीसरा निश्चित नियमों के तहत, यानी जो आर्टिकल्स हैं वो क्रमबद्ध रूप से हैं, तो निश्चित नियमों के तहत, तो इसे हम लिखित संविधान की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा अलिखित संविधान, वह संविधान जो लिखित रूप से अलिखित होता है, या यूं कह दीजिए अलिखित रूप से लिखित होता है। यानी आप लोग ये देखिए कि लिखा हुआ तो है संविधान, लेकिन वह एक सेट पैटर्न से लिखा हुआ नहीं है, एक सिस्टमेटिक लिखा हुआ नहीं है, और उसका सने सने आज भी उसका विकास हो रहा है। वह परंपराओं, रूढ़ियों, अभिसमियों आदि के आधार पर संचालित हो रहा है, तो उसे हम अलिखित संविधान की श्रेणी में रखेंगे। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान आज भी अलिखित संविधान की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि यह संविधान अभिसमियों, परंपराओं और रूढ़ियों के आधार पर संचालित है। आज भी वहाँ के लोग रूढ़ियों और परंपराओं में बहुत विश्वास करते हैं, तो यह संविधान अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा देश लिखित संविधान की श्रेणी में नहीं आता, या निम्नलिखित में से कौन सा देश लिखित संविधान की श्रेणी में आता है, तो आप उसको आपको पहचानना पड़ेगा। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत का संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको यह समझना होगा कि जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और अगर सबसे छोटे लिखित संविधान की बात करें तो वह अमेरिका का संविधान है। भारत के संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। तो ये इस दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, तो वह सबसे छोटे संविधान की श्रेणी में माना जाएगा। अब यहाँ एक विचार आता है कि आखिर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हम कब से प्रारंभ माने, यानी ये जो संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ ये कब से माना जाए। तो देखिए साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि बहुत से प्रयासों का जब रिजल्ट सकारात्मक आता है तब जाके हमको एक लक्ष्य प्राप्त होता है, तब जाके हमको एक मंजिल प्राप्त होती है। और ऐसा ही यहाँ भारतीय संविधान की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत पहले से प्रारंभ हो गई, लेकिन उसकी औपचारिक शुरुआत बहुत बाद में हुई। तो संविधान का निर्माण कब से माना जाए? क्या राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 26 दिसंबर 1885 से? क्या प्रथम संवैधानिक सुधार अधिनियम 1892 से? क्या माल्ले मिंटो भारत शासन अधिनियम 1909 से? क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 से? या फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 से? या भारत शासन अधिनियम 1935 से? या द्वितीय विश्वयुद्धकालीन परिस्थितियों में गठित विभिन्न आयोगों से? या कैबिनेट मिशन योजना 1946 से? आखिर हम इस भारतीय संविधान के निर्माण का प्रोसेस कब से प्रारंभ माने जाए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन से संविधान निर्माण का विचार सामने आया उसी दिन से संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया।
भले ही वह औपचारिक तिथि नहीं थी, भले ही वह घोषित तिथि नहीं थी, लेकिन संविधान का निर्माण तो उसी दिन से प्रारंभ हो गया जिस दिन पहली बार संविधान निर्माण के लिए प्रयास किया गया, और उसी दिन से संविधान का निर्माण का प्रारंभ। जैसे अपन कोई मकान बनाते हैं तो मकान का निर्माण कब से माना जाएगा? जिस दिन मुहूर्त लगाते हैं उस दिन से, या जिस दिन मकान बनाने का विचार आया उस दिन से? क्योंकि जिस दिन मकान बनाने का विचार आ जाता है उसी दिन से हम पानी की रोड़ी, बजरी, ईंट, ठेकेदार या जो उसके लागत के लिए जो पैसे चाहिए उन सब व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, तो क्या यह निर्माण का भाग नहीं है? ये सब निर्माण का भाग है, लेकिन फिर भी हम किसी औपचारिक तिथि को ही मकान के निर्माण का प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, जो वो मुहूर्त होता है। ऐसा ही यहाँ भारतीय संविधान के निर्माण का भी एक प्रारंभिक बिंदु है, और वह है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से। 9 दिसंबर 1946 से हम भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ मानते हैं, और ये जो संविधान सभा गठित हुई यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित हुई है। तो यह इन हालांकि इन सब घटनाओं का जिनका जिक्र मैंने किया, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर मॉन्यूमेंटो सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, वर्षासन अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, ये सब संविधान निर्माण में कहीं न कहीं सहायक जरूर रहे, इनका महत्वपूर्ण योगदान जरूर रहा, लेकिन संविधान निर्माण की औपचारिक जो तिथि है वह है 9 दिसंबर 1946। हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत पूर्व में घटित घटनाओं के विस्तार में नहीं जाकर मोटे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध कालीन परिस्थितियों और उन परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन व्यवस्था द्वारा जो भारतीय लोगों के लिए जो प्रयास किए गए, जो आयोग गठित किए गए, जो योजनाएं प्रस्तुत की गई, वहां से हम अपने अध्ययन का प्रारंभ करते हैं। हालांकि अध्ययन का प्रारंभ का कोई बिंदु नहीं है, लेकिन हम भारतीय संविधान निर्माण के प्रोसेस को द्वितीय विश्व युद्ध कालीन घटनाओं से लेते हैं। मित्रों, आपको सबको विदित है कि सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया, और इस वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक मित्र राष्ट्रों का गुट, दूसरा धुरी राष्ट्रों का गुट। मित्र राष्ट्रों के गुट में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ, ये बहुत से पोलैंड आदि देश शामिल थे, जबकि धुरी राष्ट्रों के गुट में जापान, जर्मनी, इटली आदि देश शामिल थे। और अब तक जितने भी ब्रिटेन ने युद्ध लड़े उन सब युद्धों में भारतीय सेनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, चाहे अन्य कोई उपनिवेशिक युद्ध देख लीजिए, लेकिन यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय राजनेताओं ने, भारतीय सेनाओं ने इस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करने से मना कर दिया। ये पहला युद्ध था जिसमें पूर्णतया ना कर दी कि हम ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सेनाओं का सहयोग नहीं करेंगे। और जैसे ही भारतीय सेनाओं ने ये मना किया तो उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बहुत से युद्धों में भारतीय सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उनको लगने लगा कि हम भारतीय सेनाओं के सहयोग के बिना, भारतीय लोगों के सहयोग के बिना युद्ध कैसे जीत पाएंगे। तो उन्होंने युद्धकालीन परिस्थितियों में भारतीय लोगों को रिझाने के लिए, भारतीय लोगों को मनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की योजनाएं, अलग-अलग प्रकार की तुष्टिकरण की नीतियां अपनाई, ताकि किसी न किसी प्रकार से भारतीय लोग खुश होकर युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय लोगों ने तो पहले ही युद्ध में सहयोग करने से मना कर दिया। और एक बात और थी कि भारतीय सेनाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा था, जिसमें विशेषकर रूस का, चीन का और फ्रांसीसी शासकों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो वो चाहते थे कि कैसे न कैसे भारतीय
सेनाओं का सहयोग युद्ध में मिलना चाहिए। तो हम आज के इस अध्ययन का यहाँ से प्रारंभ मानते हैं, प्रारंभ करते हैं, और इसके बाद में हम कंटिन्यू अगले कुछ व्याख्यानों में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से यह व्याख्यान निरंतर जारी रखेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नीतियों से अब तक यह स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि वह किसी भी स्थिति में भारत को स्वतंत्र करना नहीं चाहते थे, अपितु वे हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर एन केन प्रकारेण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त कर युद्ध में विजित होना चाहते थे। केवल एक ही लक्ष्य था ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश शासकों का, ब्रिटिश सेनाओं का, कि कैसे भी इनको रिझाकर या हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर या इनको थोड़ा बहुत कुछ योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान कर खुश करके युद्ध में भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए। और अब तक भारत के जो दो प्रमुख राजनीतिक दल थे, एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग, इन दोनों के अपने अपने लक्ष्य भी स्पष्ट हो गए थे। 1940 तक आते आते इन दोनों के अपने अपने लक्ष्य स्पष्ट हो गए थे। क्या क्या लक्ष्य थे इनके? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही लक्ष्य था कि वह पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य था। वहीं मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग पाकिस्तान निर्माण की मांग रखना था। यानी दो चीजें थी, राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य चाहिए और मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान चाहिए। ये दो क्लियर कट बातें स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग को स्पष्टतया अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। यानी अलग पाकिस्तान निर्माण की मांग को उन्होंने पुरजोर समर्थन के साथ आगे बढ़ाया। और ये जो पाकिस्तान, जिसकी हम बार बार सुनते पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान शब्द है इसकी रचना किसने की, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। देखिए, पाकिस्तान शब्द की रचना अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र चौधरी रहमत अली ने इस शब्द की रचना की, और उन्होंने पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के प्रथम अक्षरों को मिलाकर पहले तो पाकिस्तान शब्द बनाया, फिर वह पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान शब्द हो गया। यानी पी फॉर पंजाब, के फॉर कश्मीर, एस सिंध और तान यानी बलूचिस्तान, ये तान शब्द जो लिया बलूचिस्तान, तो इन अक्षरों को मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान शब्द की रचना की। और इसका श्रेय जाता है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली को। याद रखना आप लोग सभी विद्यार्थी इस बात को, और किस प्रकार उन्होंने की ये भी आप याद रखना। यानी पाकिस्तान का पी जो है वो पंजाब से, के कश्मीर से, एस सिंध से और तान यानी बलूचिस्तान। तो ये जो आप लोगों ने व्याख्यान अभी देखा, यह है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह कंटिन्यूटी में ये प्रथम व्याख्यान है, और इसी की अगली कड़ी के तहत द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और कई प्रकार के व्याख्यान आपको निरंतर मिलेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।